अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने एसेट्स के बारे में समझा था कि एसेट्स को हम लोग डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, वजह क्या। बेटा, वो तो आप लोगों ने समझ लिया था कि एसेट्स को हम लोग डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम ले रहे होते हैं, और क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि वो हम दे रहे होते हैं। तो हमारे पास देखें रूल्स जो लिखे हैं, देखें जैसे पूरे वर्ल्ड में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये रूल चल रहा है ना। इस तरह बिजनेस में भी हमारे पास रूल चलते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते तो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट होगा। तो मैंने आप लोगों को एसेट्स के बारे में समझा दिया था कि एसेट्स जब इंक्रीज होते तो हम लोग डेबिट करते। डेबिट क्यों करते? क्योंकि ले रहे थे, और क्रेडिट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम दे रहे थे। आज हमने लायबिलिटी के बारे में समझना है। बेटा, लायबिलिटी इसलिए मैं आप लोगों को आज समझा रहा हूँ क्योंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी पहले एसेट्स, फिर उसके बाद लायबिलिटी आ गया था। तो आज हमने लायबिलिटी के बारे में समझना है कि लायबिलिटी को हम लोग डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं, वजह क्या है। क्लियर? हमारे पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कम्प्लीटेड बाय राशिद एंड कंपनी ड्यूरिंग जून 2020। अब देखिए, फर्स्ट एंट्री में लिखा परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹20,000। बेटा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमेशा अकाउंट का जिक्र आ जाए या क्रेडिट का जिक्र आ जाए, इन दोनों का मतलब एक है, यानी कि क्रेडिट का जिक्र आ जाए या अकाउंट का जिक्र आ जाए, तो बेटा इन दोनों का मतलब एक ही है, उधार को कहते हैं। जब भी इसका जिक्र आएगा तो आप लोग समझ जाएं कि उधार को कहा जाता है। अब बेटा देखें, लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹20,000। आप लोग बेटा फर्नीचर उधार पे ले रहे हैं। अब बेटा बात उधार की आ गई। देखिए, मैंने आप लोगों को लायबिलिटी में समझाया था, यानी कि वो काबिले अदा रकम जो हम लोगों ने हर हाल में अदा करनी होती है, तो वो लायबिलिटी कहलाई जाती है। अब यहाँ पर जब हमने फर्नीचर उधार पे लिया है तो हमने ये रकम हर हाल में अदा करनी नहीं करनी, करनी है ना, तो इसका मतलब अब हमारे ऊपर लायबिलिटी लागू हो गई। तो देखें, पहले एंट्री में देखें हमारे पास यहाँ इसका, इस एंट्री में एसेट्स का भी जिक्र हुआ है और अकाउंट यानी उधार का भी जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटी इसमें दो चीज़ों का जिक्र हुआ है। देखिए, हमारे पास हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर की नेचर एसेट्स है, और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम रूल्स के मुताबिक फर्नीचर को ₹20,000 से डेबिट कर देंगे। फर्नीचर को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। अच्छा, देखिए बेटा, अगर हम लोगों ने कैश दिया होता तो कैश को क्रेडिट कर लेते, चेक दिया होता तो बेटा बैंक को क्रेडिट कर लेते, ना तो हमने कैश दिया ना तो चेक दिया, हमने उस बंदे से उधार पे लिया है, तो बेटा वो बंदा हमारा अकाउंट बनाएगा नहीं बनाएगा? अकाउंट खाते को कहते हैं, यानी कि वो बंदा हमारा अकाउंट बनाएगा, हमने उस बंदे को अकाउंट पेड करना है नहीं करना, पेड करना है ना। तो बेटा हम लोग अपने पास अकाउंट पेबल को ₹20,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब देखे बेटा, हमारे पास हम फर्नीचर ले रहे हैं, लेन में आ गया, और बेटा ये खाते वाले पैसे हम लोगों ने देने हैं या नहीं देने? देने हैं ना, तो इसलिए बेटा अकाउंट पेबल को हम लोग क्रेडिट में लेके चले गए। अकाउंट पेबल की नेचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो बेटा देखें, रूल्स भी हमें बता रहा है कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपने नजरिए सोचे तो बेटा देखें, फर्नीचर आप लोग ले रहे, लेन में आ गया, और ये खाते वाले पैसे आप लोगों ने देने हैं ना, इसलिए बेटा अकाउंट पेबल को हम लोग क्रेडिट में लेके चले गए, यानी कि 20,000 देने हैं तो देन में चले गए। नरेशन लिखेंगे बेटा, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। क्लियर हो बेटा कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो खाते वाले पैसे हम लोगों ने देने होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम असद। बेटा आप लोग मशीन ले रहे हैं असद से उधार पे। क्लियर? सबसे पहले तो ये सोचा आप लोग क्या ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, तो बेटा मशीन को हम लोग डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है? ₹40,000। अच्छा, मशीन हमने असद से ली, असद हमारा अकाउंट बनाएगा ना, हमने असद को अकाउंट पेड करना है, तो बेटा हम लोग अपने पास अकाउंट पेबल असद को क्रेडिट कर देंगे ₹40,000 से। नरेशन वही लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम असद। क्लियर? मशीन ले रहे, लेन में आ गया, ये खाते वाले पैसे देने, देन में चले गए। अब नेक्स्ट है,
पेड कैश टू असद रुपीज 40,000, पेड कैश टू असद रुपीज 40,000। अब हम असद को कैश दे रहे हैं। बेटा देखें, पहले हमने असद से उधार पे मशीन ली थी। अब बेटा 5 तारीख को हम असद के पास गए, असद से हमने कहा कितने पैसे बनते हैं। असद कहता है 40,000 रुपये। हमने असद को हाथों हाथ 40,000 रुपये दे दिए। हमने असद को पैसे दे दिए तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? देखें, हमने जब पैसे देने होते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि खाते वाले पैसे देने होते हैं। अब हमने असद को पैसे दे दिए, हम असद को क्या दे रहे हैं? सबसे पहले ये सोचें, हम असद को कैश दे रहे हैं तो बेटा कैश को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, कैश देन में चला गया। अच्छा देखिए, पहले हमने पैसे देने थे इसलिए अकाउंट पेबल को क्रेडिट में रखा था, क्योंकि खाते वाले पैसे देने थे। अब हमने पैसे दे दिए, कैश हम लोग दे चुके हैं। देखें, अकाउंट पेबल पहले क्रेडिट में इसलिए था क्योंकि पैसे देने थे। अब हमने पैसे दे दिए तो अकाउंट पेबल की अब क्रेडिट में ज़रूरत है नहीं, है ना? तो अकाउंट पेबल को बेटा हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो हम लोग उसको डेबिट कर देते। तो हमने रूल्स के मुताबिक अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया। देखें, हमने मशीन ली, लाइन में आ गई, ये खाते वाले पैसे देने देन में चले गए। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हमने उसको कैश दे दिया। तो बेटा जब हम लोग कैश दे देते हैं तो अब अकाउंट पेबल की क्रेडिट में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बेटा हमने अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया। रूल्स के मुताबिक लाइबिलिटी जब इंक्रीज होते तो क्रेडिट कर दें, क्यों? क्योंकि खाते वाले पैसे देने होते, और जब लाइबिलिटी कम हो जाती है तो हम लोग उसको डेबिट कर देते। क्यों? क्योंकि बेटा हम पैसे उसको दे चुके होते हैं, वाजिबात हमारी तरफ वापस क्लियर हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो गए, इसलिए अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया। अब अकाउंट पेबल की क्रेडिट में कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, पेड कैश टू सप्लायर रुपीज़ 30,000। अब देखें, इसमें हमने कोई ख़रीदारी का काम नहीं किया, डायरेक्ट पेमेंट का जिक्र हुआ है। तो बेटा जब इस तरह की एंट्री आ जाए तो आप लोग समझ जाएं कि पहले कभी हमने इस सप्लायर से कुछ ख़रीदा था, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, 30,000 रुपये उसको दे रहे हैं। बेटा आप लोग उसको क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो ना, तो कैश को आप लोग क्रेडिट कर देंगे, कैश क्रेडिट हो गया। अच्छा देखें, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई तो अकाउंट पेबल को आप लोग 30,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। तो बेटा हमेशा याद रखें, जब भी पेड का जिक्र आ जाए, यानी पेड कैश टू सप्लायर, पेड कैश टू अली, पेड कैश टू असद, पेड कैश टू काशिफ, यानी इन बंदों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे सप्लायर, हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो बेटा जो आप लोग दे रहे हैं, जैसे कैश दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दिया, चेक दे रहे होंगे तो बेटा बैंक को क्रेडिट, अकाउंट पेबल ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी वाजिबात ख़त्म हो जाए तो अकाउंट पेबल हमारे पास डेबिट हो जाए, और जब बढ़ते तो क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है वो हम लोग देने का काम करेंगे। अब नेक्स्ट आता है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम अली। बेटा आप लोग गुड्स ले रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब आप लोग मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेजेस। तो बेटा इस एंट्री में परचेजेस को आप लोग डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेबल ऑटोमेटिकली बेटा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि खाते वाले पैसे देने। और लास्ट एंट्री बेटा कह रहा है पेड चेक टू अली। अब बेटा आप अली को चेक दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे। तो बेटा जब आप लोग चेक दे रहे हैं तो बेटा आपने अली को चेक दिया, अली जाके पैसे कहाँ से लेगा? बैंक से। तो देन का काम कौन करेगा? बैंक करेगा। तो बेटा बैंक को आप लोग क्रेडिट कर देंगे और अकाउंट पेबल अली को आप लोग डेबिट कर देंगे, क्लियर? तो बेटा आज का लेक्चर हमारा लाइबिलिटी के हवाले से था, सिर्फ यही समझाना था कि लाइबिलिटी को हम लोग डेबिट क्यों करते और क्रेडिट क्यों करते, वजह क्या है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग कैपिटल के बारे में बताऊंगा कि कैपिटल को क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।